सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्केल ड्राइंग में स्केल नंबर 21 की कागज बांट करेंगे। इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 47 सेंटीमीटर और हाइट है 72 सेंटीमीटर। इसमें जो फुट्टा यूज हुआ है वो है 2.15 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 2.15 सेंटीमीटर फुट्टा यूज इसमें हुआ है। तो हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 147 हुई 147 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमने कागज़ को लेंथ की तरफ रखा है। हमने इसमें हाशिया लगा रखा है और हमने इसमें काटना है 147 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने, ये आप देख सकते हैं 147 सेंटीमीटर हमने इसमें काटना है। तो ये हमारा है यहाँ पे 50 और ये 50 से 5 सेंटीमीटर पीछे है 145। तो यहाँ पे हमने हल्का सा निशान लगा देंगे और यहाँ से हम काटेंगे 2 सेंटीमीटर आगे को। यहाँ से ये हम काट देंगे 2 सेंटीमीटर इस तरह से। और अब हमने जो बच गई हमारी शीट, यहाँ के बाद हमारी शीट बच गई है, इसके हमने करने बराबर 3 भाग। तो हमने यहाँ से एक न्यून कोण लेना है इस तरह से। इस तरह से हम एक न्यून कोण लेंगे और इस रेखा पे हमने बराबर 3 निशान लगाने हैं। यहां से 1, 2, 3 इस तरह से हमने इसमें नाम लिख देना है। यहां पे 1, 2 और 3। और हमने क्या करना है, ये हमारा 3 है, इसको हमने लास्ट में मिलाना है यहां तक। क्या आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से। इस तरह। और अब हमने रेखा लेनी इसी के समानांतर 1 से। इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने प्रकार खोल के हम इसको देख लेते हैं बराबर हमारा है। तो आप देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 बिल्कुल बराबर है। तो हमने क्या करना है, इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे भी हम साथ साथ ही निशान लगा देते हैं क्योंकि बराबर 1 सेंटीमीटर आना है। यहाँ से एक भाग इसका आना है, यहाँ पे भी निशान लगा देंगे एक भाग, ये कटना ही है हमारा। यहाँ से हमने सबसे पहले लेनी है लेंथ और वो हमारी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 सेंटीमीटर है, 90 और 5 95 और 5 100 इस तरह से। और हमारा ये एक भाग है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा एक भाग है। इसके बाद हमने लेनी इसकी ब्रेड्थ 47 सेंटीमीटर है इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे यह 45 और 2 47 यहाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। और हमने यहाँ पे हमने निशान लगाया था, एक भाग हमने छोड़ दिया था यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे लेना है, हम यहाँ लेंथ लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है 100 सेंटीमीटर है। और अब हमने लेना है एक भाग, तो यहाँ पे ये हमारा एक भाग आ गया है। एक भाग छोड़ने के बाद अब हम काटेंगे यहाँ पे ब्रेड्थ और आप ये देख सकते हैं ये 45 और 2 47 ये ब्रेड्थ पूरी आ गई है हमारी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगानी है और ये हल्की लाइन हम अभी दर्शाएंगे इसको, हम गाढ़ी लाइन नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइट है 72 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 47। तो 72 और 47 हुए 119। तो हमने यहाँ से 119 सेंटीमीटर काटना है। तो ये हमारा है, ये आप देख सकते हैं 120। तो एक हमने यहाँ पे
कम काटना है, यहाँ से घटा देना है 1 सेंटीमीटर इस तरह से। और यहाँ से हमने उसी तरह से न्यून कोण बनाना है यहाँ से, इस तरह से। और इस लाइन पे हमने 5 बराबर निशान लगाने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे काउंटिंग, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और हमने इस 5 को जो है वो लास्ट पॉइंट के साथ मिला देना है यहाँ पे इस तरह से। और समानांतर रेखा हमने लेनी है 4 से, फिर हम लेंगे 3 और 2, 1 इस तरह से। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग है। अब हमने यहाँ से 2 भाग जितनी प्रकार खोलनी है, आप कोई से भी 2 भाग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई से भी 2 भाग ये देखिए ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने ऊपर से 2 भाग जो है काट देने हैं यहाँ पे। उसके बाद हम काटेंगे इसकी हाइट। हाइट इसकी है 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 72 सेंटीमीटर लेना है। तो ये हमारा है 60, 65, 70 और 2, 72 इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे। और उसके बाद हमने काटना है इसका एक भाग, यहाँ से एक भाग हम काट देंगे। फिर हमने काटनी है इसकी ब्रेथ जो है हमारी 47 सेंटीमीटर। और आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए 47 और 2, 47 ये बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। और हमने क्या करना है, ये जो 2 भाग हमने यहाँ छोड़ रखे हैं इतनी प्रकार हमने खोलनी है और यहाँ पे इसको काट देंगे इस तरह से। अब हमने काटनी है इसमें हाइट, और इसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 60, 70 और 2, 72 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने लेना है एक भाग, यहाँ से हमें एक भाग काटना है। इसके बाद हम काटेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ है 47 सेंटीमीटर। तो ये 47 और 2, 47 2 भाग हमारे अपने आप बच जाएंगे पीछे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे राइट, हम इतनी लगाएंगे, हम थोड़ी सी लाइन जो है वो भाग को बढ़ा देंगे यहाँ से हाइट लिखने के लिए। और यहाँ पे ये हम लाइन लगाएंगे, बेस लाइन है हमारी, इसमें हम एक्सपायरी लाइन लिखेंगे। और यहाँ पे यहाँ हम लाइन आगे नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ हल्का सा निशान लगा देंगे। और यहाँ हमने इसको मिलाना है तिरछा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो फालतू लाइनें हैं उनको हम यहाँ से मिटा देंगे। जो हमारी लाइनें ये हल्की है इनको हम गाढ़ा कर देंगे
यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ हम लाइन लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ लिखेंगे इसमें हाइट, हाइट है 100 सेंटीमीटर, इसकी है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 47 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिखेंगे इसकी लेंथ, लेंथ इसकी है 100 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 72 सेंटीमीटर है, हाइट 72 है, ब्रेथ 47 है और हाइट इसकी, लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 47 है और हाइट इसकी 72 सेंटीमीटर है। और हमने यहाँ लिखना है इसमें एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन। इस तरह से आपने इसमें एलिवेशन, साइट, प्लान, प्रोजेक्शन और आपने इसमें लिखना है यहाँ पे स्केल कार्ड, और स्केल कार्ड आपने यहाँ पे इसमें दर्शाना भी है, ये स्केल नंबर 21 की कागज़ बाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।